हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रेजी टू फॉरएवर। एंड इस वीडियो में हम आपको डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के ट्रैक पे ले चलेंगे। सुबह होटल से निकले और ऐसे कई सुंदर ब्रिजेस क्रॉस किए और ये देखे कितना जबरदस्त रिवर बेड है ना, कितने साल लगे होंगे इसे बनने में। So on the way to Nongriad, we stopped here at a small tea shop where we'll be having some omelette, some tea. बहुत ही प्यारा सा जगह था, बहुत सा अच्छा व्यू था, ठंडा हवा था और मस्त चाय मैगी का नाश्ता किया हमने। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा दुकान था, यहाँ दो कुत्तों की फैमिलीज भी थी जिनको हमने थोड़ा खिलाया पिलाया। थोड़ा देर एंजॉय किए, हमें क्या पता आगे क्या होगा बेटा। फिर आगे निकले पहाड़ों के बीच से, बादलों के बीच से मजे लेते हुए। Right now we are in Nongriad and we are going for the trek to the double decker bridge. So that was the parking and we took sticks which is like 20 rupees. It's actually 10 rupees but they charge 20 rupees. It's okay. So 40 for two sticks and we have 3000 steps to go ahead. It's going to be a long trek. ट्रैक हमारा चालू हो गया। यहाँ एक बंदा भी मिला था जो हमारे साथ जाने के लिए रेडी था, पर हमारा स्पीड उनके जैसा तो नहीं रहेगा। प्लस वी वांटेड टू स्पेंड आवर ओन टाइम, इसलिए हमने थोड़ा अच्छे तरीके से मना कर दिया। ये 3000 स्टेप्स है वन वे, सो बोथ द वेज इट विल बी अराउंड 6000। जोशो शोरों से हम निकले और पहले कुछ समय के लिए अच्छी सीढ़ियाँ मिली ऐसी वाली। विदाउट परमिशन यू आर टेकिंग माय वीडियो। हे Hey, you tourist. गिर जाना, गिर जाना। I am local person. शी, local person इतना मोटा होता है क्या? ये होता है local, आराम से चढ़ के आ रहा है। ये देखिए, ये रास्ता था ऐसा पहले, बहुत ही स्टीप स्टेप्स थे और अभी नए बन गए हैं। नॉट वेरी इजी बट पहले से तो बेहतर ही है। और करीब एक घंटे बाद हालत बहुत ही चौपट हो गई थी। काफी चलते चलते हम लोग शायद एक छोटे से गांव के पास आए हैं। वी कैन सी हाउसेस हियर, लुक्स लाइक अबैंडन्ड हाउस बट सम ऑफ देम वेर फंक्शनल, दो सम वेर अबैंडन्ड। ये एक छोटा सा टी स्टॉल भी था यहाँ पे। पाथ देख के इतनी खुशी कभी हुई नहीं जितनी अभी हो रही है। और रास्ते में ये देखा, बाप रे यार, पहाड़ के बसिंदे कितने मजबूत होते हैं। ये बंदा एक बोड़े में खूब सारा तेज पत्ता लेके चढ़ाई कर रहा है। अमेजिंग राइट, कैन यू सी लाइक कितना पोटेंशियल है हम लोगों में और हम कितना वीक हो गए हैं थोड़ा और चलने के बाद। इसके आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है एक्चुअली। दो रास्ते हैं, समझ नहीं आ रहा है किस तरफ से। वो इतना स्टीप होते जा रहा है एंड इतना पतला होते जा रहा है कि आई डोंट नो, वी हैव लॉस्ट होप, लाइक वी लॉस्ट होप सो मेनी टाइम्स बट वी आर स्टिल क्लाइंबिंग डाउन। कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है किस तरफ जाना है एंड देयर इज नो सिग्नल और एनीथिंग। सो या वी आर गोइंग टू अबैंडन द प्लान एंड क्लाइंब बैक अगेन। फिर हम थोड़े देर वेट किए और हमें कुछ खटपट सी सुनाई दी, डर गए कि कोई जानवर तो नहीं है। So I think we got people here and we are not abandoning the plan anymore because we have got 2-3 more of them and now we'll be going down some willpower. Catherine, ये देखिए, जहाँ हम confused थे कहाँ जाना है क्या करना है, वहाँ हमें ये पत्थर पर बना सिंबल दिखा जो पहले मुझे नहीं दिखा था और हम उस तरफ निकल पड़े। एक स्लैब पे हमने लिख दिया ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो सके। So hopefully we see some good things, but trekking up would be a very hard time. Butterflies, blue one. कुछ 20 मिनट बाद हम ये विलेज पहुंच गए और लोगों ने अपने अपने आंगनों में कुछ चीजें सुखाने के लिए डाल रखी थी।
और बोर्ड दिख गया, बोलो राम राम राम, थैंक यू भगवान। और जल्दी ही लिविंग रूट ब्रिज भी, वूहू। यहाँ एक ट्री का रूट है जो कि ब्रिज जैसा यूज कर रहे हैं लोगों ने, एंड इट्स एन अमेजिंग नेचर्स क्रिएशन। So we've reached the double decker bridge बहुत ही देर के बाद, पूरा मुंह लाल हो चुका है, एंड यू कैन सी द फॉल्स बिहाइंड, पानी बह रहा है, एंड वी आर राइट नाउ स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज फॉर सेकेंड फ्लोर वाला। यहाँ पानी भी बहुत मस्त था, फ्री का फिश स्पा हो गया हमारा। इतनी सारी मछलियाँ पैरों के पास आके काट रही थी ना, इतना अच्छा लग रहा था, गुदगुदी जैसा। फिर थोड़ा चाय पिए हम साथ में और वहाँ से हम निकल पड़े, क्योंकि शाम से पहले और वापस पहुँचना था ऊपर, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। रात के अंधेरे में तो कुछ दिखने नहीं वाला है, एंड इट विल बी वेरी रिस्की। बहुत ही गजब हो चुका है, शक्ल तो पहचान में भी नहीं आ रहा है। बाप रे, ये ट्रैकिंग भी नहीं है यार, इट्स लाइक क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ये तो सिर्फ सीढ़ी सीढ़ी है, और बीच में तो पत्थर वाला आ जाता है यार, दैट इज लाइक हॉरिबल। वहाँ पे ना साइड में पकड़ने के लिए ना कुछ लकड़ी तो है जिसके सहारे जा सकते हो, बट छाले पड़ जाएंगे हाथ में पकड़ पकड़ के। लग रहा है मर जाएं, लेकिन जाए नहीं, अब ऊपर हम मरने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अभी हम लोग हाथ से थोड़ा और ऊपर आ गए, एंड इट्स ऑलरेडी क्या टाइम हो गया, 1550, ऑलरेडी मोर देन 1.5 आवर्स। तो अभी हमें उतना ऊपर और जाना है, द टॉप ऑफ दैट माउंटेन, एंड इट्स वर्टिकल फुल स्टीप। इनका हालत ये है, हेलो मैडम, हाउ आर यू। और आगे बढ़े तो वो टी स्टॉल जो हमें दिखा था ना पहले, वहां पे हम रुके, और वो अंकल जो हैं राइस चुन रहे थे, उसमें प्लास्टिक का और असली राइस अलग कर रहे थे। बताओ यार, क्या जमाना आ गया है कि चावल में भी इतनी मिलावट होने लगी है, वो भी इन बेचारों को, मतलब जो इतना कष्ट उठाते हैं, कैसे चावल मिल रहा है इनको। बहुत ही टफ ट्रैक है, यू कैन टोटली स्किप दिस इफ यू आर गोइंग टू मॉलिनॉक। हेलो, यू आर कमिंग फ्रॉम स्कूल, यू गो अप डेली? Oh, where's your house? Huh? Where's your house? Oh, this one? Yes. Oh. These are some really amazing strong kids. और ये सीख मिलता है कि हमें इतनी facilities मिलती है जिसकी हम कीमत नहीं करते हैं, and ये लोग कितना कष्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। ये आगे जाके सुनाएंगे अपने बच्चों को कि हम लोग इतना इतना नदी पार करके, पहाड़ पार करके पढ़ाई लिखाई करने जाते थे। और अगर आप बहुत फिट हो तभी इस ट्रैक पे जाओ यार। होप आपको मजा आया, आप कमेंट्स अपना जरूर डालिएगा, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल डू सब्सक्राइब, एंड दोस्तों अगर आप शेयर नहीं करोगे तो हमारा इतना मेहनत से बनाया वीडियोस आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर करें।